सुन के कॉफी। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारे हाथ की कॉफी मिस कर ली। सिर्फ कॉफी और भी बहुत कुछ। बच्चा जब दिल से माँ को कुछ बना के देता है तो माँ को बहुत याद आता है। खामोश क्यों? क्या हुआ? नहीं मैम, डैड आएंगे शादी में? शायद हाँ शायद नहीं। क्या मतलब? आपकी बात नहीं हुई? बात हुई थी मेरी, कार्ड भी भिजवा दिया था और फोन भी कर दिया। फिर क्या कहा? इनकार नहीं किया लेकिन आने का भी नहीं बताया। खुद कर लो। करो नहीं, मैं फोन नहीं करूंगी। और प्लीज आप भी बार बार इनवाइट मत कीजिएगा। उनको आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। बेटा जो भी है हमारे बाप है, उनके बगैर हमारा कौन सा काम रुका जो ये रुके। मेरी एजुकेशन हो गई, जॉब हो गई, शादी भी हो जाएगी उनके बगैर। आई अब वी डोंट नीड हिम एनीमोर। गिव मी योर हैंड। आई एम स्ट्रांग बच्चा। हेलो हेलो, क्या बचाई? क्या कहने को? बात कुछ ही कहने को। हमारे बच्चों की खुशी है। हमारी खुशियां? ये भी तो हमारी खुशियां। तुम खुश हो? हाँ बहुत खुश हो। कम से कम अब तो ये ना करो, अब तो अपने आप को धोखा देना छोड़ दो। दिखाओ। नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। इसे ड्रेस का कलर तुम पे बड़ा सूट कर रहा है। चुन के चूज किया है। हाँ अच्छा है ना। मैंने और उमर ने साथ सेलेक्ट किया। नाइस। देखो थिंक ऑफ द डेविल। चलो आप अपने डेविल के साथ लगी रहे, मैं नीचे की तैयारी देकर आती हूँ। थैंक यू मिस्टर उमर।
आपको बिल्कुल चैन नहीं है ना? चैन अगर पसंद होता तो मैं तुमसे शादी करता। अभी बात है, भाग सकते हो तुम, शादी नहीं हुई है। यार यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो रोना है मेरा कि शादी नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ ये माई वही छोड़ो, डायरेक्ट शादी करते। ब्रिलियंट आइडिया, चलो है ना, चलो आ जाओ कर लेते शादी। पागल हो, बैठे रहो और बार बार तंग करो, मैं तैयार हो गई। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम तैयार हो गई हो तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ, कॉफी पीने चलते हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है ना, सारे मेहमान आ चुके हैं, इस वक्त नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। यार तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आता मुझे। सुबह से कितनी मर्तबा देख चुके हैं मुझे? सिर्फ एक बार देखा है मैंने तुम्हें, सही है ना? और मैं एक बार और देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कितनी तुम बदल गई हो। मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे सुबह, आ रहे हो ना देख लेना मुझे, चलो बाय। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, तुम कॉफी पीने नहीं चल रही हो मेरे साथ? कमर बाकी है कि मुझे सबके सामने ना अम्मा से पिटना नहीं है। तुम्हें कौन मार सकता है? कोई नहीं, बाय। सुन तो लो, अगर तुम्हारे रातों बदल जाए तो तुम मुझे बता देना। नहीं मैं फोन नहीं रखता सारा। आप जाइएगा नहीं, आप बैठे, मैं सारा से कहती हूँ बाकी के दो सेट भी आपको लाके देती है। नवाज भाई को पानी पिलाओ। आई माँ, सत्केशा कितनी प्यारी लग रही तू। जूलर को बिठाया है, वो दूसरे सेट हमने साफ करवाने थे, उसको लाके दे दो। चलो मैं ले आती हूं, लॉक करके आ रहा हूं। यू नो मी, बुआ। अरे वाह बुआ, क्या क्या भाई, तुम लोग खामोश क्यों हो, बजाओ। चलो वो मीठा कीजिए बुआ। मेरी बेटी की शादी है, तो मैं मीठा कराऊंगी। हम दोनों करेंगे। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे बुआ। आमीन आमीन। कुछ अच्छा गाओ ना तुम लोग। क्या भाई, मैं भूल गई जूलर बैठा हुआ है और वो सारा लेने गई हुई थी। एक सेकंड, मैं सारा को देख रही हूँ, पानी भी लेकर आती है। एक सेकंड, अरे सारा 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 बेटा, सारा किधर हो? सारा सारा शिजा बेटा, बेटा जरा सारा को देखो, नीचे ऊपर है ही नहीं, वो चाबी लगा के पता नहीं कहाँ चले गई है। इतनी इरेस्पॉन्सिबल तो नहीं है? मैं ऊपर देखती हूँ, तुम जरा ठीक से नीचे देखो कहाँ है। आंटी मैंने नीचे सब जगह देख लिया, सारा कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं है? नहीं, मैंने नीचे किचन में गैराज में सब जगह देख लिया है। उमर के साथ गई होगी? नहीं, उमर का फोन आया था और वो सारा को बुला भी रहा था लेकिन सारा ने मना कर दिया था। She is gone with उमर again. I'm surprised यार, क्या पागल लड़की है, फोन भी इसका बन जा रहा है। ट्राई तो मैंने भी किया था, पता नहीं क्यों बन जा रहा है, लेकिन आई गेस घर पर ही होगी। मैं बुआ से पूछती हूँ। मैं उसके रूम में देखती हूँ।
सारा, सारा बेटा, सारा, सॉरी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैंने शादी का फैसला बहुत जल्दी में किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। शादी का ये फैसला भी गलत है और वक्त भी। आई एम सॉरी। हेलो उमर जी। आंटी अस्सलाम वालेकुम। उमर सारा घर से चली गई है। क्या मतलब चली गई? गाड़ी निकाल दी। क्या हुआ? सारा चली गई है। कहाँ चली गई? इससे चली गई। ऐसे चली गई? ऐसे कैसे? क्या कह रहे हो तुम यार? अरे आंटी की कॉल आई थी। कोई नोट छोड़ के गई है, उस पर लिखा हुआ है वो ये शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो ऐसे कैसे कर सकती हो उमर? ए बच्चे, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। ए कहीं नहीं जाएगी वो। ओके कोई हल निकालते हैं इस मसले का चंदा। बस चलो चलो घर चलते हैं उसके और देखते हैं क्या होता है। आओ। क्या मतलब? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। ये शादी का फैसला मैंने जल्दी में किया। मतलब क्या इस बात का?
कब से चल रहा है तुम लोग का रिलेशनशिप? आठ महीने हो गए एंड शी स्टिल नॉट श्योर. क्या मतलब? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी. कोई गलतफहमी नहीं हुई उसे. अभी बात हुई थी मेरी उसे, मामूली बात करी थी, बिल्कुल ठीक थी. कार्ड बढ़ चुके हैं, घर में शादी की तैयारी चल रही है, एंड हाउ कैन शी डू दैट? इन बातों की समझ उसे भी है, बच्ची नहीं है वो. लेकिन अगर उसका दिल पूरी तरह से आमादा नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते. अच्छा, और दिल की आमादगी का ख्याल शादी से 3 दिन पहले आया उसको? मंगनी कर ली, 8 महीने से मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया जा रहा है और अचानक ख्याल आता है कि दिल आमादा नहीं है. ना, प्लीज बस कर, बहस करने का कोई फायदा नहीं है. उसने कह दिया ना, शोर ही नहीं थी तो बात ही खत्म हो गई. मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया होगा. आप अपने बेटे से पूछिए कि इनके दरमियान क्या बात हुई. और अगर कोई बात हुई भी थी तो उसे हमसे बात करनी चाहिए थी. अचानक बैठे बिठाए इस तरह घर से भागने का क्या जवाब? प्लीज, हो गई बात खत्म, चले यहां से, चले. वो ठीक ही हुआ. ये जो शादी का फैसला होता है, ये बहुत बड़ा फैसला होता है हमारे लिए. शायद ये 8 महीने का वक्त बहुत कम है. बहुत वक्त की नहीं है, पहले से ही बहुत टेम्परामेंटल थी. मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी टेम्परामेंटल हो जाएगी. अगर मोहब्बत में किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि ट्राई टू कॉन्टैक्ट हर, उससे बात करो, उससे पूछो तो सही. क्या पूछूं सर, क्या पूछूं? ये पूछूं सर, इसने मुझसे बात तक करना गवारा नहीं किया. ये पूछूं कि दुनिया के सामने तमाशा बना के क्यों चली गई ना? फील कर ये मोहब्बत में लड़े बगैर हार ना मानो बेटा. से बात करो, सब उसको मनाओ. नहीं नहीं, मोहब्बत में अगर लड़ना भी पड़ता है ना दुनिया से, तो मैं लड़ जाता हूं. लेकिन खुद मोहब्बत से कैसे लड़ूं? पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि उसको भी बात बुरी लगी हो तुम्हारी, कोई गलतफहमी हो गई हो उसको. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी उनमें जो लड़के हो, ना ही अपनी खानदान की इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी. हाथ से मैंने ये रिश्ता जोड़ा था, रिश्ते के साथ साथ इस चाहत को भी तोड़ के चली गई हूं. घर को तो न जाने किसकी नजर लग गई है.
बरसों के बाद एक खुशी आई, वो भी पूरी न हो सकी। मत रोए बुआ। रोऊं ना तो और क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है रोने के अलावा। जो होना था हो गया। सारा ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। मुझे फोन लगा के पूछो तो सही, वो है कहाँ? वो सबसे बार मैं क्या कर रही हूँ, फोन ही बन जा रहा है उसका। तुम अब कहाँ जा रही हो? लोगों को फोन करके ये भी तो बताना है कि शादी कैंसिल हो गई, खास तौर पे सारा के बाद। सॉरी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैंने शादी का फैसला बहुत जल्दी में किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज। शादी का ये फैसला भी गलत है और वक्त भी। आई एम सॉरी। हेलो। सारा की शादी कैंसिल हो गई। व्हाट? क्या मतलब? वो ये शादी नहीं करना चाहती। As expected. तुम्हारी बेटी है ना, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की कि पहले माँ बाप को बगैर बताए मंगनी की और फिर शादी से एन पहले इनकार कर दिया। हाँ, यानी बेटी से अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो मैं सारी जिंदगी उसको उस गलती को निभाने के लिए मजबूर करती रहूं। हाँ, क्योंकि इज्जतदार घरों में जिंदगी के फैसलों को निभाया जाता है, शादियां और मंगनियां तोड़ी नहीं जाती। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे, जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने आपसे ताने सुनने के लिए फोन नहीं किया। तो फिर क्यों फोन किया? बाप है आप उसके, उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। ढूंढने में? ओ, आई सी। घर से भाग गई है वो। क्या बस, तुम्हारी बेटी है ना, जाहिर है कोई गुल ना खिलाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आतिफ वो आपकी भी बेटी। हाँ, मेरी बेटी है। अगर लड़के ने इनकार किया होता ना तो खुद जाता हूँ उससे पूछता कि तूने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। यहां तो अपनी ही बेटी निकली, क्या करूं मैं? पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा लगाऊं जाके? आप उसे नहीं ढूंढेंगे? अगर तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे घर की सिल्लत उठा के अपने घर ले आऊं तो ये भूल है तुम्हारी। ऐसी उम्मीद भी मत रखना। ठीक हो? तो फिक्र ना करो, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं मिलकर। मसला? कौन सा मसला?
मैं नहीं इंटरेस्टेड किसी मसले में. I think it's over for me. मेरे नजदीक तो इस इशू का हल हो गया. हेलो. हाँ उमर, क्या हाल है? शादी का क्या सीन है तेरी? शादी? तू क्यों पूछ रहा है बे? मैं तो तेरी शादी की तैयारी कर रहा था. तेरी बीवी तो इधर कराची में घूम रही है. कराची में? सारा? हाँ हाँ, आज सुबह देखा मैंने उसे ऑफिस में. हाँ वो शादी कैंसिल हो गई ना हमारी. नहीं यार, क्यों? बस वो इरादा बदल गया हमारा. शादी से 2 दिन पहले? हाँ यार, देख मैं अभी ना बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ उससे. ठीक है, चल ठीक है, बाय. क्या सोचा था और क्या हो गया? हमारी खुशियों को तो न जाने क्यों लोगों की नजर खा जाती. लाइटों वाले लाइटें उतार कर ले गए, फूल सिमट गए, सब सामान अपनी जगह पर वापस आ गया. अब मेरे ये समझ में नहीं आता, ये मिठाई इतनी सारी पड़ी है, इसका मैं क्या करूं? मोहल्ले में बांट दे. बांट दूं? और लोग मुझसे पूछेंगे कि ये किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है, तो क्या जवाब दूंगी? कह रहा सलमा मर गई. जा रहे हो फिर? जी. नहीं जल्दी यहाँ रुक के करूँगा अभी क्या? लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने मुझे. आ जाके मिलोगे उससे? नहीं डैड, सो ऑफ मी. मैं जानता हूँ तुम्हें सब बहुत हर्ट हो. सिचुएशन को इस तरह इमोशनली हैंडल ना करो, और गलतफहमियां हो जाती हैं. मैं गुजर चुका हूं इनसे, गलतफहमियों को दूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी ना गलतफहमियां पीछा छोड़ती है ना पछतावे. गलतफहमी गलत थी उसकी, तो मुझसे बात कर लेती ना वो, इस तरह जाने की क्या जरूरत थी? अब जिंदगी में हर बार उसकी गलतफहमियों की वजह से उसके पीछे जाता रहूंगा उसको मनाने के लिए. You know what? She was right. शादी का फैसला ही गलत था.
केयर माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगे और मेरे लिए परेशान भी, बट मैं ठीक हूँ, कराची में हूँ और सेफ हूँ। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया और इस फैसले की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। देखिए, अगर उस वक्त मैं आपसे कहती कि मेरा दिल इस शादी पर नहीं मान रहा, तो आप मुझसे कहती कि सब इंतजाम हो गए हैं, अब अगर शादी कॉल ऑफ की तो लोगों में बदनामी होगी। और माँ, मैं इस जुमले से तंग आ चुकी कि लोग क्या कहेंगे। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी से गुजारनी है, और मैंने अपनी मर्जी का फैसला कर लिया। इस फैसले से जुड़ा वाहिद पछतावा यह है कि मैंने आपको हर्ट किया। मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी सारा। मुझे बहुत अफसोस है सलमा। मुझे भी। मैं सारा की बात नहीं कर रहा, समझदार लड़की है, जो कुछ किया उसने सोच समझ के किया होगा। तुमसे अपने रवैये की माफी मांगना चाहता हूं। मैंने क्या क्या कह दिया तुम्हें, नहीं कहना चाहिए था मुझे। तुम्हारी जगह कोई भी होता है ऐसे ही रिएक्ट करता। जब बात अपनी औलाद की आती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। रात के दुख से तो तुम भी गुजर रही हो। मैंने कितने लोगों के कैसे कैसे छुपते हुए सवालों के जवाब देने पड़े होंगे तुम्हें। आदत हो गई छुपते हुए सवालों के जवाब देने की। सारा का पता चला? जिस दिन कराची। उमर भी कराची चला गया। मिलेगा वो सारा से? उससे मिलना ही नहीं चाह रहा। ऐसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मिले, बात करे, कोई गलतफहमी होगी तो दूर करे उसे। बहुत हर्ट है सब। आई डोंट ब्लेम यू। Sorry for everything. I'm sorry. हाय उमर, मैं जानती हूँ आप तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते होगे, बट आई ओ यू एन अपॉलोजी। मैंने जो किया वो क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ मेरे इस तरह चले जाने से तुम्हें तकलीफ पहुँची है, मगर तुम मैच्योर हो, आई एम श्योर मेरी बात समझ जाओगे। मैंने शादी का फैसला गहराई में सोचे बगैर किया। मैं और तुम बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ हम में कॉमन है, सेंटिमेंटल तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं। हम दोनों बड़े प्रैक्टिकल हैं, और प्रैक्टिकल डिसीजन यही था कि शादी करके पछताने से बेहतर है इस रिश्ते को अभी ख़त्म कर दें। मैं जानती हूँ तुम हर्ट भी हो और तुम्हें बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी होगी, इसलिए तुमसे बात करने के बजाय ये फैसला मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, ताकि लोग बुरा भला कहें तो सिर्फ मुझे कहें, तुम्हें नहीं। मुझे वैसे भी लोगों की परवाह नहीं है,
मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ और तुम्हें भी यही करना चाहिए। I'm sorry that I hurt you, but we'll get over it soon. क्योंकि मैं ग्रीन हूं।